आपातकालीन सुविधाओं के मद्देनजर कटनी जिले के लिए एक खुशखबरी है। जी हाँ, कटनी नगर निगम ने सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस एक फायर ब्रिगेड गाड़ी की सौगात दी है। महापौर शशांक श्रीवास्तव ने सबसे पहले भारतीय परंपरा के अनुसार गाड़ी की पूजा की और इसे फायर ब्रिगेड के काफिले में शामिल किया। उनका मानना है कि भले ही कोई घटना ना हो, लेकिन घटना के पहले चौकस और तैयार रहना ही बुद्धिमानी कहलाती है। लिहाजा एक सर्व सुविधा युक्त फायर ब्रिगेड गाड़ी जिले के लिए बेहद जरूरी थी। महापौर ने आगे चलकर शहर को 4 जोन में बांटकर सभी जोन को गाड़ियां देने का भरोसा भी जताया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में बड़े खतरे से निपटा जा सके। नगर निगम कटनी नागरिकों की सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। हमारी पूरी परिषद इस बात की चिंता करती है कि नगर का विस्तार हो रहा है, विकास हो रहा है। उस दृष्टि से हमारे बेड़े में जो फायर ब्रिगेड के वाहन हैं उनकी संख्या पर्याप्त होना चाहिए और फायर ब्रिगेड जितने भी हैं वो व्यवस्थित रूप से होना चाहिए। उस दृष्टि से हमने एक नया फायर ब्रिगेड जो काफ़ी समय से लंबित था, जिसका आना, उसको आज यहाँ पर लोकार्पित किया है। और आज एक हमारे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में एक बड़ी गाड़ी यहाँ शामिल हो गई है, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। और शहर में भगवान न करे कोई ऐसी घटना और दुर्घटना हो, हम तो चाहते हैं कि ये हमारे पास में इंतजाम डिजास्टर मैनेजमेंट के पूरे होना चाहिए और पुख्ता इंतजाम होना चाहिए, माकूल इंतजाम होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए आज उसमें शुरुआत हुई है। अगर हमें लगेगा कि और गाड़ियों की बढ़ाने की आवश्यकता है शहर के विस्तार की दृष्टि से, तो हम और भी प्रस्ताव बना के भेजेंगे। और फायर ब्रिगेड जो है यहाँ का चाक चौबंद हो, हम माधवनगर में भी एक चिंता कर रहे हैं कि एक अलग से एक फायर ब्रिगेड का स्टेशन हो, ताकि उस क्षेत्र को कम समय में कवर किया जा सके और आवश्यकता पड़ने पर यहाँ से वाहन भेजा जा सकते हैं, शहरी क्षेत्रों के लिए हो जाएगा। ऐसे शहर को अगर 4 भागों में बांट करके अलग अलग जो हमारे जोनल ऑफिसेज होंगे वहाँ पे पूरी तरह सुविधा युक्त हों, इसका हम प्रयास करेंगे। आने वाले 3 वर्षों में इसकी हम चिंता करते हुए पूरे शहर को व्यवस्थाओं से चाक चौबंद करेंगे। और फायर ब्रिगेड की जो आज एक गाड़ी यहाँ पर जुड़ी है, उसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। और भगवान ना करे उस गाड़ी की आवश्यकता पड़े, लेकिन कभी आवश्यकता पड़ेगी तो हम तत्परता से उसका उपयोग करके दुर्घटना को टाल सकते हैं।